नोहर की ग्राम पंचायत देहीदास के सरपंच पर हुआ जानलेवा हमला। सरपंच की हालत गंभीर होने के कारण हायर सेंटर किया रेफर। मामले की जांच में जुटी नोहर पुलिस। नोहर के गांव देहीदास में खेत से घर लौट रहे सरपंच पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर सरपंच को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर जख्मी हालत में सरपंच को तुरंत नोहर के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने के चलते ट्रॉमा सेंटर जिला अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही नोहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नोहर पुलिस ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत देहीदास के सरपंच राजेंद्र नेवल आज सुबह अपने खेत में बनी गैस एजेंसी से वापस खाना खाने अपने घर की ओर लौट रहे थे कि रास्ते में रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने धारदार हथियार से सरपंच पर हमला कर दिया। हमला करने का आरोप ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और उसके पुत्रों पर लगाया गया है। हमले में घायल सरपंच राजेंद्र के पूरे शरीर पर गहरे कट के जख्म हैं। सरपंच राजेंद्र का ट्रॉमा सेंटर हनुमानगढ़ में प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं प्रकरण की सूचना के बाद नोहर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।